अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं कि मैं किधर हूँ। अगेन आइकिया मम्मी लेकर आए, उनका ये जो है ना आइकिया जाना उनको इतना पसंद आ गया है, पता नहीं। लास्ट टाइम हम लोग दो चार चीज़ें लेना भूल गए थे, तो इसलिए मम्मी ने वापस लेकर आए हैं। और इसके बाद हम लोग जाएंगे पलेडियम मॉल, जहाँ से हमें शॉपिंग करनी है। तो यहाँ की शॉपिंग मम्मी की पूरी कंप्लीट करके हम हमारी शॉपिंग करेंगे। तो ये तो थोड़ा बोरिंग है, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह वो सब मम्मी का है। मैं आपको पलेडियम में मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अभी फाइनली आवर शॉपिंग इज़ डन एट आइकिया। अब यहाँ से बाहर निकले हैं फाइनली। मैं इतना बोर हो चुकी थी अंदर, क्योंकि मुझे इतना बोर हो रहा था, क्योंकि मेरे काम का तो कुछ था नहीं। दो तीन ऑर्गेनाइज़र मैंने एक्स्ट्रा ले ली। अब बस हम यहाँ से जा रहे हैं फिनिक्स, यहाँ से यू टर्न में ही है, तो क्या आप लेंगे? गाइज, वी फाइनली एंटर्ड पलेडियम मॉल एंड आई एम वेरी हैप्पी। और सबसे ज़्यादा खुश तो यू इस बात से हूँ कि हमने जो हमारा कैरी बैग था, बहुत वजन था उसमें और बहुत सारा सामान था जो हमने आइकिया से लिया था, इधर हमने रखवा दिया लॉकर में। अब हम घूम सकते हैं अच्छे से। ये देखो टेडी बेयर कितना बड़ा है, पूरा मॉल चेंज हो गया इतने टाइम में। आई थिंक दुबई से आने के नहीं, दुबई से आने के बाद फर्स्ट टाइम आया। हाँ, दुबई से आने के बाद फर्स्ट टाइम आया है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट शायद फर्स्ट टाइम आया है। अब हम अच्छे से घूमेंगे। अर्शिया को कुछ चीज़ें लेनी है फैमिली से, तो आप उसके ब्लॉग में देख सकते हो क्या पसंद है, क्या लेना है एंड ऑल। मैं भी देखूँगी कुछ पसंद आएगा तो लूँगी। अब हम अच्छे से घूम सकते हैं, यू नो। मम्मा कुछ बोलो, क्या मेरा तो जो लेना था वो तो हो गया सच्ची में, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत हैवी भी हो गया। लिफ्ट से नहीं चढ़ेंगे, चलो लिफ्ट से नहीं चढ़ेंगे, चलो एस्केलेटर से चलो। अब देखते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है, ओवर रश है। माइंड में आप देख सकते हो बहुत कोई नहीं, चलो हम भी आ गए। बहुत बस चेंज हो गया है, सीरियसली मुझे पता नहीं था। मुझे मॉल में घूमना बहुत पसंद है, चलो फिर हम फैमिली से जाते हैं। देख सकते फ्लावर्स भाई, मैं सीढ़ी से ही जाऊँगी, मैं भी मेरी मम्मी के साथ सीढ़ी से ही जाऊँगी। हाँ, फोबिया काइंड ऑफ, उनको एस्केलेटर से डर लगता है। एक बार गिर गए थे, कुछ याद है? एस्केलेटर से गिर गए थे मम्मी, याद है? जब से कुर्ला फिनिक्स में गिर गए थे, मैं बहुत छोटी थी। और अर्शिया तो ऐसे ही जा रही है, हम स्टेयर्स से जा रहे हैं। अब हैमलीज आए हैं यहाँ से, अर्शिया को कुछ चाहिए एंड मैं भी देखती हूँ कुछ मेरे लायक। ऐसे तो मुझे H&M में जाना था, वहाँ से कुछ लेना था। आज मेरे साथ क्या हुआ पता है? मैंने ब्रेसलेट पहनी थी अपना, मेरा ब्रेसलेट गिर गया, मुझे पता ही नहीं। और मैं मॉल में देख रही हूँ मेरे हाथ, तो मेरे हाथ में ब्रेसलेट ही नहीं है, स्ट्रेंज। चलो आ गए हैं फैमिली, सब अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं एंड शॉपिंग करते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं बारबी सेक्शन। मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि दिस इज़ अ बुक सेक्शन, एज यू कैन सी स्टोरी बुक्स एंड डायरीज वगैरह है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब। तो इसमें से मैं कुछ लूँगी, क्योंकि नीचे टॉयस वगैरह से तो मैं भी खेलती हूँ, तो खाली पुकट लेकर कोई मतलब नहीं है। तो मुझे कुछ यूजफुल चीज़ें पसंद है, जैसे डायरी मुझे पसंद है, मुझे स्टोरी बुक्स पसंद है। सो लेट माई मॉम कम एंड विल डिसाइड वॉट टू टेक, वॉट टू बाई फ्रॉम हेयर। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ सो गुड। ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मुझे पहले से स्टेशनरी ज़्यादा पसंद है। आई लाइक स्टेशनरी मोर देन टॉयज। तो मम्मी आते हैं एंड विल एक्सप्लोर। स्टोरी बुक्स है, लेकिन है ना एकदम किड्स की बुक है, इंस्पिरेशनल या कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, तो फिर मैंने नहीं ली, बच्चों की है। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी बुक्स, बाकी अर्शा ने यहाँ से टॉयज लिए। अब हम जा रहे हैं हैमलीज से बाहर। Trust in me.
ज्यादा घूमने के बाद फाइनली आई गॉट समथिंग। चल चल के हम लोग कितना थक गए ना, पहले 2 घंटा आईकिया में घूमे, फिर मॉल में पहली मैंने कुछ ली इतने टाइम बाद, और ऐसा लग रहा है कि रश भी कम हो गया, शाम को तो ज्यादा ही रश था इधर। इतना चल चल के थक गए हैं बट स्टिल घूमना तो है। घंटे से हम लोग 3 घंटे से ज्यादा 4 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं फिनिक्स में। अरे फिनिक्स में नहीं, आइकिया, आइकिया से भी यहाँ भी। तो मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं, आई एम वेयरिंग हील्स, दिल कर रहा है कि हील्स उतार दूँ और ऐसे ही चलूँ, बट स्टिल ऐसे ही चलूँ। तो यहाँ पे मैंने मॉल में अपने हील्स उतार दी थी एंड मैं ऐसे ही चल रही थी, बहुत ऑकवर्ड लग रहा था बट स्टिल मेरे पैर बहुत दुख रहे थे तो मैंने उतार दी। ओके फाइनली आई गॉट समथिंग। मैंने और मम्मी ने, सी मम्मी यहाँ देखो, हम दोनों ने परफ्यूम परचेज किए हैं फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वॉक्स। अब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गरीब हो गई हूँ। जो भी है यहाँ पर बाद में आएंगे। हाँ नहीं, स्टिल मेरे पास थोड़े पैसे रखे हुए हैं, घर पे भी बहुत आए, अभी फिलहाल ये सब चीज़ों पे यूज हो गए। इसलिए बात है बॉडी वॉक्स है ना, बहुत ज़्यादा सस्ता है, मतलब क्या। नहीं नहीं मैंने पैसे दिए मम्मी, ऐसे नहीं, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। देखो फिर मम्मी ऐसा ना मस्ती करते हैं, मम्मी आज लास्ट ऑफर है बट हाँ नहीं रूम में छाट के क्या करना है, अपने को यूज करना है। ठीक है इट्स अमेजिंग, यहाँ से मम्मी लिया करेंगे, अभी मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे ना पॉकेट मनी से, तो यहाँ क्या हमारे पे जादू हो गया कि हमने 2 परफ्यूम लिए, फिर हमने और 2 परफ्यूम लिए, फिर हमने और 2 सैनिटाइजर लिए हैंड सैनिटाइजर, और आई थिंक अब बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई है। सो सी हाउ मच शॉपिंग वी डिड बट इट वॉज अमेजिंग, आई थिंक वर्थ इट था। हाँ लिफ्ट किधर है, आई थिंक वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आई। एंड एक फ्रेगनेंस मैंने ली, एक मम्मी ने ली है, दूसरी वाली भी मैंने ली, मतलब मैंने 2 ली हूँ और 2 मम्मी ने लिए हैं, एंड एक हैंड सैनिटाइजर ऋषा ने ली, एक मैंने ली हूँ। हाँ विच वॉज अमेजिंग, ऑलरेडी तुमने बहुत शॉपिंग कर सकती। अब देखो सब बैग्स पकड़ के ऑलरेडी हील्स पहनी हूँ, मैं इतनी थक गई हूँ ना, यू कैन सी अभी तो है फ्रेंड की। कुछ नहीं है मम्मी, आई थिंक वी शुड लीव नाउ बिकॉज वी आर ऑलरेडी सो टायर्ड एंड भूख भी बहुत लगी है, तो घर जाके वी आर घर जाके क्या होंगे, घर जाके पहले चाय, चाय चाय के बाद खाना, खाना आलू के पराठे ही खिलाऊंगी। हाँ आज कुछ ऑर्डर नहीं करूंगी बाहर से। नाइस नाइस आलू के पराठे, ठीक है। वैसे तो हम लोग मॉल आते थे ना तो कुछ ना कुछ खा लेते थे, बट तभी हम लोग इतना नहीं घूमे हुए होते थे, डायरेक्ट मॉल आते थे तो फ्रेश रहते थे, तो खाना पीना समझ में आता, लिफ्ट इधर है तो खाना पीना समझ में आता था, बट अभी फिलहाल इतना घूम रहे हैं, मतलब 5 बजे से हम लोग निकले हैं एंड नाउ इट्स 10 PM। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और बहुत ज्यादा थक गए, भेलपुरी ही लिए और ऊपर आके खाए, और अभी हम लोगों ने चाय पी, और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मैंने ली क्या हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज्यादा रश था, मतलब बहुत ही ज्यादा। ये तो मम्मी का है, अर्षा ने तो बहुत उसके लिए टॉयज के अलावा यूजफुल चीजें ली है, यस अच्छी चीज है। सो ओके लेट मी शो यू, तो मैंने बाथ एंड बॉडी वॉक से सबसे पहले ये वाला परफ्यूम ली हूँ, फ्रेगनेंस मिस्ट है ये, डार्क किस वाला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है दिस वन। एंड सेकेंडली अर्षा यहाँ पे बबल्स जो है वो फ्लो कर रही है। सेकेंड जो है ये गिंग हैम करके कोई इसका ब्रांड है, ये भी बाथ एंड बॉडी वर्क से ये वाला ली हूँ ब्लू कलर का, विच इज़ अमेजिंग, और इसकी फ्रेगनेंस एक नंबर है, बहुत सही है। एंड वन मोर थिंग, हाँ मैंने एक है ना छोटा सी क्लेंजिंग हैंड जेल ली हूँ जिसका नाम है प्योर वंडर, तो ये चीज़ें तो मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क से ले ली, जो काफ़ी हो गई मेरे लिए। वैसे ना मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, परफ्यूम्स का, सनग्लासेस का, स्पोर्ट्स शूज़ का और वॉच का,
तो फिलहाल मैंने परफ्यूम ली हूँ. नेक्स्ट मंथ मैं सोचती हूँ H&M से है ना सनग्लासेस ले लूँगी, क्योंकि ये बार मेरे को यही लेना था. और मैंने है ना हैमली से ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ली, मतलब टॉयज़ या स्टोरी बुक्स तो एकदम बच्चों वाली थी वो सब नहीं ली. दो चीज़ ली हूँ मगर बहुत ही यूज़फुल ली हूँ आप लोगों को बताती हूँ. सबसे पहले ये फ्लेयर का फाइन लाइनर, 10 है इसमें, मतलब 10 है. और एक चीज़ बता देती हूँ, ये वाली चीज़ ना मम्मी निकाल दो, ब्रश. और एक ये ब्रशेस का सेट ली हूँ. तो बस ये यूज़फुल चीज़ें मैंने ली हूँ अपने लिए. और आप लोगों को ये ब्लॉग में भी बता दी. और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. और मैंने ना हील्स पहनी थी तो मैंने मॉल में ना थोड़ा टाइम निकाल के ऐसे ही चल रही थी. इसलिए अब से ध्यान रखूँगी कि मैं ना कभी हम लोग को ज़्यादा वॉकिंग कुछ रहा तो मैं स्पोर्ट्स शूज ही पहनूंगी. हाँ ठीक है मम्मी, मुझे नहीं मालूम था कि इतना वॉक करना पड़ेगा. तो यही हमारी शॉपिंग थी जो आप लोगों को मैंने दिखाई. लेना कुछ और था मगर पसंद कुछ और आ गया. और बस अब मैं अपना ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. अल्लाह हाफिज़.